नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतिका लोनिया और आप देख रहे हैं कैप्टन प्रतिका। आज का वीडियो तीन पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो मेन आइडिया क्या है यार बिजनेस का, वो तो बता दे। नंबर टू हम लोग बात करेंगे कि कितना खर्चा आएगा, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, ये तो बताओ। बिजनेस आइडियाज तो सारे वीडियोज में सुनते हैं हम लोग, पर खर्चा कितना आएगा और क्या हमारे लिए है भी या नहीं, हम लोग कर सकते हैं या नहीं। नंबर थर्ड हम लोग बात करेंगे कि जो स्मार्ट तरीका होता है, यूनिक तरीका होता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का, कस्टमर्स को बुलाने का, तो सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स को व्हाट्सएप में भेजने से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आप थोड़े वाइडर लोगों तक नहीं पहुँचो। हाँ, आपको कुछ ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, बट आप चाहते हो कि अच्छा ऑर्डर आए जिससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए उस बिज़नेस से, वो करने के लिए आपको अच्छे नंबर ऑफ लोगों तक पहुँचना होगा। सिर्फ हमारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं उतने लोगों तक पहुँचने से ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतनी अर्निंग कर पाए कि आपका जो सपने हैं वो पूरे हो सके। तो थर्ड पॉइंट वो होगा। तो मैं बोलूँगी अगर आपको बिजनेस आइडिया अच्छा नहीं भी लगे ना, तो भी आप थर्ड पॉइंट ज़रूर सुन लीजिएगा, जहाँ पे मैं बताऊँगी कि कैसे स्मार्ट और यूनिक तरीके होते हैं कि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आके खुद चल के आपको बोले कि मुझे आपसे सामान खरीदना है, क्योंकि ये हर बिज़नेस में अप्लाई होता है। आपका बिज़नेस किसी भी चीज़ का है ना, तो ये थर्ड पॉइंट इसमें अप्लाई होगा। और मैं एक नहीं कई सारे पॉइंट्स इसमें आपको बताऊँगी कि आपको क्या क्या करने चाहिए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है कि अपना बिज़नेस आइडिया है क्या। देखिए आज के डेट में ना सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, कन्वीनियंस बिकता है। कन्वीनियंस मतलब आराम बिकता है कि बैठे बैठे अगर हमारा थोड़ा काम आसान हो जाता है तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। अमेज़ॉन आया, हम लोग नॉर्मल वही सामान खरीदने के लिए दुकान जाते थे, अब दुकान नहीं जाते, फ़ोन में ऑर्डर कर देते हैं, वो घर पर आ जाता है सामान, है ना। पैसे वहाँ दुकान में भी लगते, यहाँ पर भी लग रहे हैं, पर यहाँ हमें आराम से मिल जा रहा है घर में बैठे बैठे, तो हम इसे चूज़ करने लग गए। उसके बाद में आया ग्रोफर, तो हम सब्जियाँ भी घर में मंगाने लग गए। उसके बाद में आया स्विगी, क्यों हम लोग रेस्टोरेंट में जाके लाइन लगाए जब रेस्टोरेंट खुद हमारे घर पे आ सकता है, तो हम लोग स्विगी में ऑर्डर देना शुरू कर दिए, जोमैटो में ऑर्डर देना शुरू कर दिए। टैक्सी बुलाने के लिए कौन उतना दूर जाएगा और 10 टैक्सी को बोलेगा रुको 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 रुको, बड़े आसानी से एक बटन टिपने से टैक्सी हमारे घर के नीचे आके खड़ी हो जाती है ओला और उबर के थ्रू। तो हम जब उबर में क्लिक करेंगे और हमारे घर के नीचे आ जाएगी, तो कौन उतना मेहनत करने जाएंगे। आप पॉइंट समझ रहे हैं, ये सारे बिज़नेस पहले से थे बट इसको कन्वीनियंट बना दिया गया, इसके लिए इसको लोगों के लिए ईजी बना दिया गया। तो आज के ज़माने में अगर कोई भी ऐसा काम है जो जिसको यूज़ करके लोगों की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, तो वो काम सुपर हिट है। और आज का हमारा आइडिया उसी से रिलेटेड है। वो आइडिया है इडली या फिर डोसा बैटर का। ऑलरेडी जहाँ रह रहे होंगे वहाँ पे शायद आपको ऑलरेडी घोल वोल मिल जाते होंगे। मैं जहाँ रह रही हूँ कलकत्ते में, यहाँ पर भी मुझे बड़े आसानी से नॉर्मल जो दुकानें होती है, राशन की दुकानें होती है, वहाँ पर मुझे इडली का या डोसा का बैटर बड़े आसानी से मिल जाता है। मैं आपको बता रही हूँ 4:1 रेशियो मोस्टली यूज़ किया जाता है, यानी कि 4 गुना चावल और 1 गुना उड़द दाल, यही इसका रेशियो होता है जनरली। बट मैं कहूँगी अगर आप ये बिज़नेस शुरू करने वाले हैं तो पहले आप 2-3 रेसिपीज़ ट्राई करिए और देखिए सबसे अच्छी इडली या डोसा किससे बन रहा है, और फिर आप फाइनल कर सकते हैं कि कौन सी रेसिपी आप चूज़ करने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको घर में सिर्फ एक मिक्सर ग्राइंडर चाहिए जो ऑलरेडी हमारे घर में अवेलेबल होता है। हाँ, अगर आप इसको थोड़ा लार्जर स्केल में करना चाह रहे हैं तो आप इडली का घोल बनाने की मशीन आती है जिसमें क्या है, घर में आसानी से आप पीस सकते हैं चावल, भिजे भिगोए हुए चावल को, और वो घोल बना सकते हैं। वो आगे के इन्वेस्टमेंट की बात है। अगर आपको शुरू करना है आप घर में नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर से भी शुरू कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके वो मशीन भी ला सकते हैं और फिर उससे शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इडली के घोल को आप डायरेक्ट सेल करो। आप दो जगह सेल कर सकते हो। पहला है रेस्टोरेंट में, मतलब कोई भी रेस्टोरेंट से आप टाइप कर सकते हो, आप जाके बोल सकते हो कि हम लोग इडली का घोल बनाते हैं। आप अगर डोसा बनाते हो तो आप क्यों टेंशन लेते हैं कितना बचेगा कितना नहीं बचेगा, हम तो इडली का घोल बनाते हैं, हम आपको सप्लाई कर देंगे जितना आपका डिमांड होगा उतना, तो शायद वो अग्री कर जाए। तो आप डायरेक्ट होटल्स को या रेस्टोरेंट्स को सप्लाई कर सकते हो। सेकंड है, आप दुकानों में भी दे सकते हो कि हाँ भाई ये लीजिए, आप अपने सामान के साथ में ये भी रख लीजिए, इतना आपको कमीशन है, जो भी है वगैरह वगैरह, आप जो भी है आप उनसे बात कर लीजिए, आप दुकानों के थ्रू भी बेच सकते हो। अच्छा, इसको बेचे कैसे, लोगों तक कैसे पहुँचे, वो हम थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे, जो मैंने बताया था कि स्मार्ट वेज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। अब सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जहाँ मैंने बताया था आपको बताऊँगी कि खर्चा कितना आने वाला है और हम भेजेंगे
हैं, कैसे लॉजिस्टिक क्या होगा वगैरह वगैरह वो सब चीज़। तो इसमें चार मेजर खर्चे आपके आएंगे। सबसे पहला खर्चा होगा रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल मतलब जो जो आपको सामान लगेगा, आपको चावल लगेगा, आपको उड़द दाल लगेगा, आपको नमक लगेगा, पानी लगेगा, ये सारे आपके रॉ मटेरियल है, मतलब कि सामान, बेसिक चीज़ें क्या लगेगी वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो आप जब आप बिज़नेस आइडिया कुछ भी प्लान करते हो ना, तो पेन और पेपर लो और उसमें ये लिखना शुरू करो कि फर्स्ट पॉइंट ये है, मेरा ये सामान लगेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड चीज़ आपके लगेगी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक का खर्चा आएगा क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर उतनी देर चलेगी जब तक वो घोल को आप पीस रहे हो। थर्ड आपका खर्चा आएगा पैकेजिंग का, मतलब जब हम किसी भी चीज़ को बेचेंगे तो उसको कैसे पैकेजिंग में देने वाले हैं, क्या हम जिप लॉक करने वाले हैं, या हम अपना अलग से पैकेजिंग का प्रिंट बनाएंगे, या जो भी आपको डिसाइड करना है। तो पैकेजिंग के खर्चे के बारे में आप लिख सकते हो। फोर्थ हमें यह पता लगाना है कि डिलीवरी का खर्चा कितना आएगा। अगर आप किसी दुकान से टाई अप करना चाहते हो, जैसे कि दुकान को दे दिया और वो आगे बेच रहे हैं, तब तो आपको जिप लॉक या फिर इस तरह की किसी पैकेजिंग के बारे में सोचना होगा। पर अगर आप डायरेक्ट सेल कर रहे हो, तब आपको ये सोचना होगा कि आप किससे डिलीवरी करवा रहे हो, जिससे डिलीवरी करवा रहे हो उसको भी तो कुछ खर्चा देना पड़ सकता है। तो आपको वो फिगर आउट करना होगा। पेन और पेपर लीजिए और ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। अब हमारे तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जो कि मैंने बोला था कि स्मार्ट तरीका क्या है इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने का, कस्टमर्स अट्रैक्ट करने का। सबसे पहला होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट का जो नाम होता है, ब्रांड का नाम होता है, उसको रिलेटेबल रखने का कोशिश करिए। रिलेटेबल मतलब क्या होता है, मतलब आज अगर हम फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स की, तो चाहे कितना ही बड़ा से बड़ा रेस्टोरेंट आ जाए, होटल आ जाए, ताज वाज कुछ भी, पर जब हम लोग माँ के हाथ का खाने का बात करते हैं ना, तब सब कुछ फेल होता है। माँ के हाथ के खाने का जैसा कोई खाना होता ही नहीं है, और हर एक जन अग्री करता है इस बात से। तो अगर आप ऐसा कुछ नाम रख पाए अपने ब्रांड का, लाइक फ्रॉम मदर्स किचन, मदर्स किचन प्रेजेंट्स इडली घोल, ऐसा वाला, या फिर कोई ऐसी शर्मा आंटी, शर्मा आंटी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ वो हमारी बाजू वाली आंटी थी, तो ये कोई, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ रिलेशन है, कुछ मतलब एक ह्यूमन से हम लोग खरीद ले, इंसानी, एक इंसान से हम लोग खरीद रहे हैं, ना कि एक ब्रांड से खरीद रहे हैं, यू नो, ऐसा फील आता है। तो आप ऐसे रख सकते हो, शर्मा आंटी प्रेजेंट्स इडली घोल, या शर्मा आंटी की इडली घोल एंड बैटर, शर्मा आंटी प्रेजेंट्स इडली बैटर्स, मतलब ब्रांड का नाम कुछ ऐसा रखो जिससे लोगों को लगे कि हाँ हम, जब हमें वो फील चाहिए ना कि घर के हाथ का खा रहे हैं, तो वो घर के हाथ वाला फील आना चाहिए कि हाँ ये नाम हर घर में लिया जाता है, शर्मा आंटी हर घर में होती है, किसी ना किसी, कोई ना कोई हर शर्मा आंटी को जानता है, माँ के हाथ का खाना सब कोई उसको जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जो भी आपका ब्रांड का नाम है ना, उसको ऐसा रखो जो काफ़ी रिलेटेबल हो। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको इडली घोल की डिलीवरी करनी है, तो ये नहीं सोच के कि मुझे, आप जैसे मैं कलकत्ते में रहती हूँ, तो मुझे पूरे कलकत्ते में डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, मुझे पूरे कलकत्ता में मैं अपना इडली बैटर बेचना चाहती हूँ, वो फोकस नहीं करके अगर आप फोकस करें, कोई एक पॉपुलेटेड एरिया अगर आप चूज़ करें, तो उससे क्या होगा, आपका, आपके डिलीवरी प्राइस बहुत बच जाएगी। जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स, सीरीज ऑफ अपार्टमेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर में बहुत सारे बिल्डिंग्स एक साथ होती है, जैसे कि अपने गोकुल धाम अपने देखते हैं तारक मेहता का, उस टाइप का। इससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो वहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ बहुत जल्दी फैलता है, एक जन के घर में आया वो दूसरे को बताया, क्योंकि सब पास पास में रहते हैं, दूसरे को बताया, दूसरा तीसरे को बताया, और जल्दी पूरे सारे बिल्डिंग में पता चल गया, वर्ड ऑफ माउथ तो है ही। सेकेंड चीज़ ये इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप किसी डिलीवरी बॉय को हायर कर रहे हो कि जो डिलीवरी करेगा आपको, उसको डिलीवरी बॉय का, अगर आप कलकत्ते में 10 एरिया में, 10 जगह में एक एक पैकेट डिलीवरी करने गए, तो कितना खर्चा आएगा आपके ट्रैवलिंग कॉस्ट में, ये इमेजिन करो। उससे अच्छा है एक कॉम्प्लेक्स को टारगेट करो, तो क्या है, उसके अंदर में गए और उसके बाद में अभी इस ब्लॉक ए में देना है, ब्लॉक सी में देना है, चार तला में देना है, तीन तला में देना है, तेरह तला में देना है, यू नो, एक ही जगह में टारगेट करो, तो आपका डिलीवरी खर्चा, आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कितना बच जाएगा, ये इमेजिन करके देखो। तो ऐसा कोई एरिया चूज़ करो जहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स एक साथ है, ये शुरुआत के लिए बोल रही हूँ। फिर आप चाहो तो पूरे कलकत्ता में, पूरे सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करो, पूरे सिटी क्या, पूरे इंडिया में छा जाओ यार, इसीलिए तो शुरुआत करनी है कि पूरे इंडिया में छा जाए अपना बिजनेस। एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करिए, एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट को बनाइए, उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में वो सारे कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर दीजिए जिसने आपसे एक बार भी ऑर्डर मांगा है, उसको ऐड कर दीजिए। और उसके बाद में ना, रोज़ रोज़ पोस्ट मत करिए उनको, रोज़ रोज़ इरिटेट मत करिए कि हम इडली घोल बेच रहे हैं, हम बैटर बेच रहे हैं, हम ये सामान बेचते हैं, वो सामान बेचते हैं, इसका फोटो
देखो, उसका फ़ोटो देखो, अब ये सेल चल रहा है, वो सेल चल रहा है। अगर आप रोज़ रोज़ परेशान करोगे ना, कुछ लोग तो फिर भी टॉयलेट कर लेंगे, कुछ लोग आपको ब्लॉक कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ब्रॉडकास्ट कर तो दिया बट कितने लोगों तक पहुँचा ही नहीं है आपका मैसेज। तो इसलिए बार बार उसको बोलते हैं स्पैम करना, स्पैम अपने को नहीं करना। अपने को हफ्ते में एक ही पोस्ट डालना है, अच्छा सा पोस्ट डालना है, कोई अच्छी सी रिव्यू आई उसकी फ़ोटो डालनी है स्क्रीनशॉट लेके, मतलब ऐसा कुछ डालना है उस ग्रुप में, उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, कि सामने वाला जो उसको देखेगा उसका मन करे यार मुझे भी एक बार ये ट्राई करना चाहिए, सब लोग इसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, या ये बहुत अच्छी चीज़ है, या फिर ये लोग जो ऑफ़र कर रहे हैं ये बहुत अपीलिंग है, तो मुझे भी इस चीज़ को ट्राई करनी चाहिए। तो व्हाट्सएप का अपना वैसे इस्तेमाल करना है अपने को। और जो आपका मेन प्रोडक्ट है ना, उसके साथ में एडिशनल प्रोडक्ट्स भी ऐड करते रहिए। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो लोग का कोर प्रोडक्ट कुछ और होता है, वो लोग प्रोडक्ट किसी और से स्टार्ट करते हैं कि हमें यही हमारा मेन प्रोडक्ट है, और वो साथ साथ में कुछ और बेचने लगते हैं, और कुछ सालों बाद में उनका जो साइड में बेचने वाला होता है ना, वो मेन आइटम बन जाता है, क्योंकि उसके डिमांड होती है। तो आपको नहीं पता कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है जब तक आप एक्चुअल में काम करने नहीं उतरोगे। तो जैसे मैं इडली घोल का ही बात ले लूँ, इडली बैटर का ही बात ले लूँ, तो अगर मैं इडली बैटर बेच रही हूँ तो साथ में मैं ये भी ऑफ़र दूँ उनको कि अब से हम लोग कोकोनट चटनी भी डिलीवर करते हैं प्री ऑर्डर पे। प्री ऑर्डर मतलब आपको पहले से ऑर्डर देना होगा। तो क्या है, उससे आपका अपना नया नया काम है। ये तो है ना कि बहुत बड़ा बिजनेस है, थोड़ा वेस्ट हो गया चल गया, आपको कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। इसलिए सब चीज़ प्री ऑर्डर पे करिएगा कि पहले से ऑर्डर दे दीजिए, हम आपको चटनी बनाकर भेज देंगे। तो इडली बैटर के साथ में आपको चटनी भी हम आपको दे देंगे। और अगर आप इसको प्रमोट करने के लिए आप छोटा छोटा पैकेट चटनी फ्री में भी दे सकते हो, साथ में एक पैम्पलेट्स डाल सकते हो कि हम लोग चटनी भी देते हैं, आप टेस्ट करके देख लीजिए, नेक्स्ट टाइम आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, विथ योर बैटर वी विल ऑल्सो डिलीवर द चटनी। तो नए नए प्रोडक्ट्स को ऐड करने का कोशिश करिए अलॉन्ग विथ योर मेन प्रोडक्ट टू मेक योर बिजनेस बिगर विथ टाइम। लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो है, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप ऐड कर सकते हैं, बट उसमें भी तरीका है ऐड करने का। जब आप ऐड करने जाते हैं ना, उसमें लोकेशन वाइज भी कर सकते हैं, मतलब आप जिस एरिया में रहते हैं या जिस एरिया में आप बेचना चाहते हैं, तो उसके 500 मीटर के दायरे में या फिर 1 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ उनको ही वो ऐड दिखना चाहिए और किसी को नहीं दिखना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर मैं जैसे कलकत्ता में रहती हूँ, अगर मेरे को कोई ऐड दिखा कि कलकत्ता में ये सर्विस शुरू हुआ है, तो वो मेरे काम का है ना। अगर मैं दिल्ली का ऐड देख रही हूँ तो मेरे क्या काम आएगा। तो इसीलिए वो जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऐड रन करें, तो देख टारगेट करिएगा आपके नियर बाई जगह को, आपसे 500 मीटर या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पे ही आपके फेसबुक जो है वो ऐड दिखाए लोगों को, जो लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। उससे आपको लोकल मार्केट को ग्रास्प करने में बहुत आसानी मिलेगी। एक दिन में कुछ नहीं होता, सब कुछ धीरे धीरे होता है। आप हार मत मानिए, बस काम करते रहिए, धीरे 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 ग्रेजुअली अपने आप आपको रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। और अगर आप ऐसे बहुत सारे वीडियोस देख चुके हो जहाँ पे बिजनेस आइडियाज़ बताए जाते हैं, आप देखते हो पर फिर किसी और वीडियो पे चले जाते हो पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो मेरा जो ये वीडियो है ना, इसमें मैंने बताया हुआ है कि 7 दिन में आपको 7 काम करने हैं। 7वें दिन में ना आपको पता चल जाएगा कि आपके ज़िंदगी का मकसद क्या है, आपको कौन सा बिजनेस शुरू करना है या कौन से काम को आगे बढ़ाना है। तो आप अगर नहीं डिसाइड कर पा रहे कि मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ वीडियोज़ ही देखते जा रही हूँ या देखते जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को देखिए, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी डिसाइड करने में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।